नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पोको M4 5G वर्सेस Xiaomi पोको M3 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M4 5G में 6.45 इंच जबकि M3 Pro 5G में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि M4 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो M4 5G में 2.99 इंच जबकि M3 Pro 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि M4 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो M4 5G में 200 ग्राम्स जबकि M3 Pro 5G में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो M4 5G में 6.58 इंचेस जबकि M3 Pro 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M4 5G में 83.92% जबकि M3 Pro 5G में 83.72% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M4 5G में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि M3 Pro 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M4 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और M3 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो M4 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M3 Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M4 5G में MediaTek Dimensity 700 और M3 Pro 5G में MediaTek Dimensity 700 MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो M4 5G में 6GB की RAM मिलती है, जबकि M3 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो M4 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि M3 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो M4 5G में अप टू 512GB जबकि M3 Pro 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो M4 5G में Android V12 जबकि M3 Pro 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M4 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें M3 Pro 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 15,990 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
पोको M4 5G में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें शाओमी पोको M3 Pro 5G की तो उसमें 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में M4 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में M3 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo EQ Z3 5G है, दूसरा Samsung Galaxy A22 5G है, तीसरा Realme 8 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A53s 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।